बुरहानपुर कलेक्टर सुश्री मित्तल के निर्देश अनुसार मात्र 38 दिनों के भीतर ही जिले में हुई तीन बड़ी कार्रवाई। नागरिक साख सहकारी समिति मर्यादित नेपानगर के पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारी से 8 करोड़ से अधिक की राशि होगी वसूली। नेपानगर थाने में FIR दर्ज की। फर्जी हस्ताक्षर एवं सील का उपयोग किए जाने पर अधिवक्ता मुंशी सहित अन्य व्यक्ति पर केस दर्ज। मामले की जाँच जारी। वित्तीय अनियमितता होने पर तत्कालीन सहायक ग्रेड 2 श्री नारायण पाटिल पर हुई FIR। मामले की विवेचना जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, सोहेल खान, बुरहानपुर। कई दिनों से कुछ ऐसे मामले मेरे संज्ञान में आ रहे हैं जिसमें शिकायत कई महीनों से लंबित थी। ऐसा ही प्रकरण एक नागरिक साख सहकारी समिति नेपानगर के संबंध में है जिसमें अमानदारों द्वारा ये शिकायत की गई है कि उनकी अमानत राशि समिति द्वारा वापस नहीं की गई है। इसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को आदेशित किया गया था कि वो जांच करें। उनके जांच में समिति द्वारा पूर्व में सहयोग नहीं किया जा रहा था। उनको आदेशित करने पे उन्होंने सहयोग भी किया है और दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं और पिछले 5 वर्षों के दस्तावेज को देखते हुए ऑडिट करते हुए जो टीम गठित हुई थी उस टीम के द्वारा जाँच पूर्ण करके कल नेपानगर थाने में एक FIR दर्ज की है। ये अपराध में ये संज्ञान में आया है कि करीबन 16 लोग हैं जिन्होंने वित्तीय अनियमितताएँ की थी और 8.5 करोड़ से भी अधिक राशि की इसमें अनियमितताएँ प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर अनियमितता MPB के बिल्स को लेके ही थी कि जो MPB की राशि वसूली की गई थी वो कैश में रूप में वसूली करके उसको खाते में दर्ज नहीं कराया गया था। ऐसी कई अनियमितताएँ सामने आई हैं। उन सभी प्रकरणों को इकट्ठा करते हुए एक FIR दर्ज हुई है। पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, उसमें भी हमने कार्रवाई की है। जैसे एक बख्शीश का मामला सामने आया है जिसमें कुछ लैंड माफिया, रियल एस्टेट एजेंट, वकील सम्मिलित थे, जिसमें भी तहसीलदार द्वारा कार्रवाई की गई है और तहसीलदार द्वारा जो उनके नाम पे फर्जी दस्तावेज दिखाकर नामांतरण करने की कोशिश की गई थी, ऐसे सभी प्रकरणों में सारे नामांतरण निरस्त करते हुए अपराध का भी पंजीयन किया गया है। ऐसा ही एक मामला ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी आया था जिसमें भी हमने शिकायत जो 2 वर्षों से भी अधिक से चल रही थी उस पर कार्रवाई की है।